बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, हम निकल चुके हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। आज हम राइड करने वाले KTM RC 125, और आप सभी को बताएंगे कि बाइक का रिव्यू कैसा है, इसका 0-100 स्पीड क्या जाती है और क्या माइलेज वगैरह है इस बाइक का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी बाइक चलाने और मिलते हैं आप लोग से बाइक पे अभी। सो हे गाइस, अब हम लोग चलते हैं अपनी बाइक पे और मिलते हैं आप लोग से अपनी बाइक पे बैठने के बाद। लो गौरव, और ये हमारा भाई गौरव है, इसी की RC 125 है। तो भाई ने मुझे को मॉर्निंग में कॉल किया कि भाई फ्रेश हो, जल्दी जल्दी चलते हैं कहीं पर चाय वगैरह पीने। तो मैं बोला चलता हूँ, राइड जब करेंगे तो प्रॉपर एक वीडियो बना देते हैं कि क्या माइलेज वगैरह है और इसका क्या 0-100 स्पीड वगैरह चल रहा है। माइलेज टेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, जो डीटेल मीटर बताएगा वही आपको बताएंगे। सो गाइस, हम लोग अपनी बाइक पर आ चुके हैं और यहाँ पर बाइक स्टार्ट होती है और आप लोगों को देखने को मिलता है डिजिटल मीटर दिए गए इसमें। तो राइड को स्टार्ट करते हैं, डिजिटल मीटर की बात हम लोग आगे करेंगे। और साउंड की बात की जाए गाइस, तो RC की साउंड बहुत प्यारी है। मॉर्निंग का टाइम है गाइस, फिर भी देखिए आप लोग कितने सारे लोग हैं। गाइज यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है बाइक को भगाकर स्पीड वगैरह टेस्ट करना, तो अभी हम लोग NH के लिए निकलते हैं और उधर ही आपको हम दिखाएंगे इसका स्पीड वगैरह कि क्या लास्ट जा रही है बाइक कितने सेकंड में। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ओ भाई, ये लोग कैसे कर रहे हैं छपरी। मैं तो V3 की हैंडलिंग की आदत है, मैं डेली V3 राइड करता हूँ और ये सब बाइक कभी कभी, तो मैं तो थोड़ा क्लोज कॉल कवर करने में प्रॉब्लम होगा। 125 की CC की इंजन है इसकी, तो 125 के हिसाब से परफॉर्म करेगी। आई थिंक लास्ट 115 अप्रॉक्स जाएगी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा। सो गाइस, ये अपना घोड़िया बाजार चौक, सुबह सुबह का टाइम है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं रोड पर, आप देख सकते हो। और यहाँ से हम लोग सीधा रामदयालू जाएंगे और वहाँ से NH पकड़ कर आप लोग को फिर 0-100 दिखाएंगे बाइक की स्पीड। गाइस सिर्फ फोर्थ गियर में 70। गाइस जो आप लोग अगर कोई मतलब चाहता है कि बाइक थोड़ी भागे और बाइक की स्पीड अच्छी हो और बाइक परफॉर्मेंस अच्छा दे स्पीड के मामले में, तो गाइस मैं 125 सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा दूर ही राइड किया हूँ उस बाइक को, थोड़ी दूर चला के मेरे को पता चल गया कि बाइक की इंजन में क्या पावर वगैरह है। तो 125 के हिसाब से इसके इंजन सही है, बट जो लोग सोच रहे हैं कि बाइक ले थोड़ी हाई स्पीड वाली, उस उनके लिए ये बाइक नहीं है। फिर आप लोग इसके हाई CC जाओ 200-390 के लिए, तो वो सही रहेगा। और ये गुमती बंद होने वाला है और यहाँ पर गाइस ये अपना रामदयालू रेलवे ट्रैक हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे और कंटिन्यू करेंगे हाईवे पे और फिर विकास लाइन के पास रुकेंगे और वहाँ पर आपको प्रॉपर इसका रिव्यू देंगे कि बाइक चलाने में कैसी है, बाइक का हैंडलिंग वगैरह और बाइक का माइलेज वगैरह क्या है, बाइक के पिकअप वगैरह सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो इंटरेस्टिंग बोले तो मतलब आपको इस बाइक, इस जो लोग सोच रहे हैं ना RC 125 लेने का, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी सही है, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज हो जाए क्या सही है क्या गलत है। मैं सोच कर निकला था कि हाईवे खाली होगा भगाने के लिए बाइक सही रहेगा, बट इधर भी ट्रैफिक है आप लोग देख सकते हैं, राइट में कंटिन्यू बस और ट्रक लगी हुई है
तो और आगे भी ट्रैफिक है अपने, तो आई थिंक मैं विकास लाइन पे नहीं रुकूंगा, उससे आगे निकलूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर तो बाइक भगाना मतलब इम्पॉसिबल है, बाइक को 100 ले जाना इम्पॉसिबल है यहाँ पर। ये लेफ्ट हैंड में जो मंदिर है, ये मंदिर काफ़ी नामी है, यहाँ से जितने भी बस ट्रक क्रॉस करते हैं यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं, प्रसाद लेते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेकर जाते हैं हम। तो भाई सेकंड गियर में 50, थर्ड गियर में 72 और फोर्थ गियर 85, 89, 90, 92 लास्ट, फिफ्थ गियर गाइस 100 के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा। ओ भाई मारो, नहीं भाई नहीं, बाइक में भाई उतने मजा नहीं। अगर आप लोग लुक वाइज लेना चाहते हैं और नॉर्मल यूज के लिए तो आप लोग ये बाइक ले सकते हैं, बट अगर कोई बंदा चाहता है पिकअप वगैरह और स्ट्रीट रेस ले बाइक, तो ये गाइस ये बाइक उनके लिए नहीं है। मैं तो अपने तरफ से ये सजेस्ट करूँगा और आप लोग चला कर देखो, जाकर जिनको लेना है और टेस्ट ड्राइव करो, फिर ही जाकर लो ये बाइक। और मैं यहाँ से यूटर्न ले लूँगा। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से यूटर्न नहीं लेंगे, आगे में अपना होटल है। नॉर्मल डे में तो हम लोग जाते हैं विकास लाइन, तो अभी विकास में नहीं रुकेंगे, यहाँ रुक कर देखते हैं। सामने अंकल है। तो गाइस हम लोग बाइक को पार्क करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर गाइस पार्क हो चुकी है अपनी बाइक, और ये मैंने किया स्विच ऑफ। तो ये देख सकते हैं यही लुक है बाइक की, ऑरेंज और वाइट का कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा है। और यहाँ पर सिंगल सॉकेट आपको दिया गया है, इसके पीछे की सीट जो है वो थोड़ी मतलब हाइट में ऊपर है, और जो मतलब लेडीज़ वगैरह को बैठाने की थोड़ी सी ये बाइक दिक्कत देगी, पीछे की सीट उसकी इतनी कंफर्टेबल है नहीं। और अलॉय व्हील्स काफ़ी प्यारे हैं इसके, और टायर की ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है। सिंगल सॉकेट दिया गया है, इंडिकेटर्स देख सकते हैं आप लोग, ऐसे इंडिकेटर आप लोग को मिल जाएगी बाइक में। और मिरर की बात की जाए तो आप लोग को ऐसा मिरर मिलेगा जो, तो मिरर आप लोग को ऐसा मिलेगा बाइक में। और बाइक भाई स्पीड के मामले में सही नहीं, बाकी लुक वाइज बाइक काफ़ी बेटर है, लुक वाइज बाइक बहुत प्यारी है। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी बाइक भागे, बाइक में पिकअप वगैरह हो, तो उस चीज़ के लिए बाइक नहीं बनी है। और चलिए अब यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और कुछ सिनेमैटिक शॉट वगैरह बाइक का लेते हैं। सो गाइज ये रही गौरव की बाइक, और इसका रिव्यू के बारे में बोला जाए तो मतलब बाइक की हेडलाइट आप दे सकते हो, आपको बाइक की हेडलाइट ऐसी मिल जाएगी, मैं थोड़ा पास लेके चलता हूँ। बाइक की हेडलाइट थोड़ा इस टाइप की आपको मिल जाएगी, और टायर्स वगैरह ऐसे हैं, ABS ब्रेकिंग दी गई है इस जैसे हर बाइक स्पोर्ट्स बाइक में होती है। और पीछे का सीट आपको दे सकते हो, थोड़ा पीछे की सीट उसकी कम्फर्टेबल नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक है तो गाइस सिंगल ही लोग के लिए सही है, जो सिंगल राइड कर रहे हैं उनके लिए सही है। और सिंगल सॉकर दिया गया है इसमें भी, और 125 सीसी की इसकी इंजन है, RC KTM 125 की सीसी की इंजन है इसकी, और पीछे भी डिस्क है, आगे भी डिस्क है, डुअल डिस्क है, ब्रेकिंग सही है। बट पिकअप के मामले में बात की जाए तो गाइस पिकअप बाइक की उतनी अच्छी नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस की बात किया जाए बाइक की स्पीड परफॉर्मेंस करें तो गाइस मुझे 100 मैंने टच नहीं किया बाइक से, क्योंकि एक तो रोड खाली नहीं मिल रहा मेरे को,
पहली बात, और दूसरी बात भाई पिकअप नहीं है, आई थिंक 110-115 के अप्रॉक्स ये बाइक उसके ऊपर नहीं जाने वाली है। तो जो लोग रेसिंग के लिए बाइक लेना चाहते हैं, कि जो चाहते हैं थोड़े बाइक में पिकअप हो, बाइक स्पीड चले, तो उनके लिए बाइक प्रॉपर नहीं है। मैं ये अपने तरफ से ये सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और बाइक का हैंडल वगैरह आपको दे सकते हैं, लुक वाइज गाइस बाइक बहुत प्यारी है, लुक वाइज अगर आप लेना चाहते हैं तो बाइक बहुत प्यारी है। और नॉर्मल स्पीड आप लोग को चाहिए तो ये बाइक आप लोग के लिए परफेक्ट है, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि बाइक में थोड़ी पिकअप वगैरह हो, बाइक की स्पीड चले, तो उनके लिए बाइक नहीं है। मैं यही सजेस्ट करूँगा। भाई लोग अभी हम लोग यहाँ पर ब्लॉग को ख़त्म करने जा रहे हैं, और मैंने जो इतना बाइक का रिव्यू दिया है शायद उतना आपके लिए काफ़ी होगा, और आपको मेरे रिव्यू से थोड़ा बहुत भी हेल्प होगा। तो लाइक कमेंट शेयर कर देना इस वीडियो को। और RC 125 लुक वाइज बहुत प्यारी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बट अगर आप पिकअप के मामले में लेना चाहते हैं बाइक, तो आपके लिए बाइक नहीं है। मेरे जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो आप सब लोग, और मैं एक बहुत प्यारा ब्लॉग आप लोग के लिए डालूंगा अपने चैनल पे, उसमें क्या दिखाऊंगा वो अभी सस्पेंस रखूंगा, बट मैं ब्लॉग डालूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो 500 सब्सक्राइबर सब लोग कंप्लीट करा दो, मैं ब्लॉग अभी तक शूट कर रहा हूँ वाला, ठीक है। तो क्या डालूंगा वो सस्पेंस है, लेकिन ब्लॉग बहुत प्यारा होगा, आप लोग सभी को पसंद आएगा मुझे उम्मीद है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, अभी के लिए ख़त्म करते हैं।